हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूँ अभिजीत। मेरा अभिजीत इंस्टा चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो मैं आज इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा वो है ब्लू स्टॉक में जो BGMI का जो 90 FPS बार बार से गायब हो जाते हैं, और उसके सॉल्यूशन और उसका ऑल सेटिंग मैं दिखाऊंगा आज इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो में मेरे चैनल में आप जो जो नए हो वो सब्सक्राइब कर देना, और मेरे चैनल को चैनल का वीडियो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम BGMI चालू कर लेते हैं, और उसके बाद उसके पहले मैं इसका सब ऑल सेटिंग मैं दिखा देता हूँ। तो ये सेटिंग कर लेना। पहले परफॉर्मेंस में जाके CPU एलोकेशन हाई एंड 4 कोर्स कर लेना। उसके बाद मेमोरी एलोकेशन हाई 4 GB कर लेना। कस्टमाइजेशन मत करना, 4 GB करना। और ये परफॉर्मेंस मोड हाई परफॉर्मेंस एंड लो परफॉर्मेंस, पर मेमोरी हाई परफॉर्मेंस एंड लो मेमोरी और डिफॉल्ट है। तो आप हाई परफॉर्मेंस में ले सकते हो, बट आपका मेमोरी मतलब आपका जो प्रोसेसर है वो ठीक हाई प्रोसेसर होगा तो हाई परफॉर्मेंस, तो नहीं तो डिफॉल्ट कर दो। उसके बाद एनेबल हाई फ्रेम रेट, ये जो ऑप्शन है ये ऑफ रहता है, ये उसको ऑन कर लेना। उसके बाद डिस्प्ले में आ जाना। ये में लैंडस्केप लैंडस्केप ही रहने देना। उसके बाद ये 1600x900 हमें रहेगा, डिफॉल्ट रहेगा, बट 1920x180 कर लेना। उसके बाद पिक्सल डेंसिटी ये 320 DPI हाई कर लेना। उसके बाद ये मार्सर कर्सर स्टाइल आपके हिसाब से कर लेना, क्या कर्सर रखोगे। अब आते हैं ये ग्राफिक्स ग्राफिक्स में ग्राफिक्स में ऑल टाइम परफॉर्मेंस ही रहने देना, क्योंकि कॉम्पेटिबल होगा तो आपका स्क्रीन बहुत रेंडर होगा, और काला काला चीज़ मतलब ग्राफिक्स में जो काला काला बग होता है वो काला काला बग आएगी BGMI में। और इंटरफेस रेंडर ये ऑटो में ही रहने देना। उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर, ये जो ASTC टेक्सर बीटा भाषण, ये सॉफ्टवेयर डिकोडिंग कर लेना। हार्डवेयर डिकोडिंग नहीं, सॉफ्टवेयर डिकोडिंग कर लेना। ये डिसेबल रहता है, सॉफ्टवेयर डिकोडिंग कर लेना। ओके, और उसके बाद GPU इन यूज़, आपके पास डेडिकेटेड GPU है तो ये हमें शो करेगी, तो उसको ऑन कर लेना। उसके बाद ऑडियो, ऑडियो तो आपके हिसाब से कर लेना। ऑडियो स्पीकर हेडफोन में काम आएगा, सॉरी माइक्रोफोन हेडफोन का ही माइक्रोफोन होगा। गेम पैड ये अलग फ्यूचर मतलब एक और फ्री फ्यूचर दिया है इस ब्लू स्टैक में। मैं नया अपडेट करी हूँ इस ब्लू स्टैक को। उसके बाद प्रेफरेंस इसको देख लेना, इसका जो सेटिंग मैं करूँ, इसका कोई सेटिंग मैं नहीं करा है, ये डिफॉल्ट यही था। और डिवाइस सेटिंग सबसे मेन बात मतलब ब्लू स्टैक में आप मोबाइल का गेम डाउनलोड करके खेलते हो। ओके, तो डिवाइस सेटिंग में आप सैमसंग गैलेक्सी S20 Ultra और ये आसूस ROG 2, इस दो दो डिवाइस में ही 90 FPS का ऑप्शन आएगा। मैं जो पहले बोला था परफॉर्मेंस डिस्प्ले ग्राफिक्स ऑडियो सब कर लेना, बट ये जो डिवाइस सेटिंग है इसको सैमसंग गैलेक्सी S20 Ultra और ये जो आसूस ROG 2, ये दोनों डिवाइस में ही 90 FPS आएगा, और जो बाकी जो डिवाइस है इसमें 90 FPS हरगिज नहीं आएगा, करके देख लेना। और जो जो मैं रिकमेंड करता हूँ सैमसंग गैलेक्सी S20 Ultra या आसूस ROG 2 को आप अप्लाई करना। मैं इसको सब मैं देख के मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 90 FPS नहीं आ रहा है। तो इस सैमसंग गैलेक्सी S20 में, S20 Ultra में मैं जब कर रहा था तो मेरा HD में अल्ट्रा आया था, अल्ट्रा के बाद एक्सट्रीम, अल्ट्रा HD एक्सट्रीम आया था। तो कुछ दिन बाद मतलब 2 दिन खेलने के बाद देख ऑटोमेटिक गायब हो गया। तो कैसे गायब हो गया मैं नहीं जानता, बट सैमसंग गैलेक्सी S20 Ultra में ये 90 FPS आएगा ही आएगा। और ये जो S20 Ultra और ये जो आसूस ROG 2, इस दोनों डिवाइस में अब जो कोई भी सेटिंग कर लो, ये ग्राफिक्स में ये सॉफ्टवेयर डिकोडिंग कर लो और ये डेडिकेटेड GPU कर लो, ओपन जेल कर लो परफॉर्मेंस, बट वो दो डिवाइस में से ही 90 FPS आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, परफॉर्मेंस में ये सब जो भी जो कुछ करना मतलब ये हाई भी 240 भी कर लो नहीं आएगा, ये डिवाइस सेटिंग कर लो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा S20 Ultra में और आसूस ROG 2 में। चलो शॉर्टकट में ये तो कुछ नहीं, ये डिफॉल्ट रहता है रहने देगा। एडवांस एडवांस में कनेक्ट टू एंड्रॉयड ये मैं ऑन किया है, इसका कोई इफेक्ट मैं अभी तक नहीं खोज पाया। ओके, अबाउट
अब आपने चेक करा देखो, मतलब ये जो फाइव मेरा ब्लूस्टैक का वर्जन है 5.2.5.0 5.01.1002 10 9.64, मेरा 64 बिट का है। ओके चलो देखते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा कितना ग्राफिक्स, ये देखो स्मूथ 90 FPS HDR में अल्ट्रा, मतलब मेरा HD में एक्सट्रीम आता था बट कुछ दो दिन खेलने के बाद एक्सट्रीम गायब हो गया, किस लिए मैं नहीं जानता। तो स्मूथ 90 FPS, ये देखो मैं करके भी दिखा देता हूँ कि 90 FPS कैसे गायब होता है। ये देखो मैं जब डिवाइस सेटिंग में जाके इसको मैं S20+ कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक गेम ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो गया गेम, ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। मतलब ये जब मैं ये चेंज किया डिवाइस तो इसका नीचे लिखा ही है देखो, चेंजिंग दिस विल डिलीट एंड्रॉयड फ्रेमवर्क डेटा, मतलब जो डेटा है वो मतलब डिलीट हो गया, मतलब आपका अकाउंट नहीं डिलीट हुआ, जो मतलब जो ग्राफिक्स का डेटा है सब ऑल डिलीट हो गया, बट जो 500 MB का या HD और स्मूथ जो डाउनलोड करने का बोलता है वो नहीं करना होगा, मतलब रिस्टार्ट होगा, गेम रिस्टार्ट होगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जस्ट वो ग्राफिक्स में देखो मैं देखा देता हूँ। ये देखो स्मूथ में एक्सट्रीम आ गया, 90 FPS गायब देखा। जब मैं इसको डिवाइस सेटिंग में जाके इसको आसूस रोग 2 में जा कर लेता तो क्या होता है देखो, तो वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं ताकि आपको जल्द से जल्द समझ आए। मतलब आप जो भी कुछ भी सेटिंग कर लो बट डिवाइस को चेंज नहीं करोगे तो 90 FPS नहीं आएगा, ओके और कुछ भी नहीं। तो वीडियो वीडियो में समझ नहीं आया तो पहले बैक जाके वो फिर से देख लो। ये देखो इसमें 90 FPS आएगा क्योंकि मैं देखो स्मूथ में 90 FPS, ओके वो जो दो डिवाइस में ही 90 FPS आएगा इसके अलावा नहीं आएगा। कितना डिवाइस दिया है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 डिवाइस दिया है इसके, 13 डिवाइस में दो डिवाइस में ही 90 FPS का ऑप्शन आता है, इसके अलावा नहीं, इसके अलावा नहीं। ये ऑल सेटिंग कर लेना, मतलब ये ऑल सेटिंग करने के बाद भी वो डिवाइस जरूर सिलेक्ट करना, नहीं तो नहीं होगा। ओके चलो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना ताकि आपका फ्रेंड को भी हेल्प मिल जाए, और मेरे चैनल में जो जो नए हो वो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं और भी इम्प्रूवमेंट होऊंगा कि और वीडियो बनाने के लिए, और मैं ये मेरा आईडी है ये देखो देख लिया मेरा आईडी, मेरा आईडी ये है। तो मैं गेम खेलता हूँ, मतलब मेरा फेसबुक पेज में मैं गेम खेलता हूँ, लाइव आता हूँ, तो ये आईडी देख लिया, इसको कॉपी करके आप मैं मुझको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, आप मेरे साथ भी खेल सकते हो। मैं आप फेसबुक पेज है सिम्पटम गेमिंग चैनल, तो उसका लिंक भी मेरा चैनल में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ में जाके आप सब उसको फॉलो कर लेना चैनल को, और मेरे साथ लाइव खेलना हो तो मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो और कमेंट में बताओ कि मेरा लाइव फेसबुक पेज में मैं जब लाइव आता हूँ तो कमेंट में बताओ कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि मेरे ऑल वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास जा पहुँचे। चलिए चलो वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, गुड बाय, थैंक यू।